फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आई होप यू लाइक माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। क्योंकि मुझे पता है आपको मेरे चैनल पर बेकिंग की रेसिपीज बहुत पसंद आई है। जितनी बार भी मैंने डाली है, बहुत ज्यादा बेकिंग रेसिपीज नहीं है, पर जितनी भी है आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई है। इसीलिए एक और इजी टू मेक बेक रेसिपी लेकर आ रही हूँ। इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं। रेसिपी का नाम है बिस्किट केक। फटाफट इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुछ रोस्टेड नट्स लिए हैं, तो इसमें वॉलनट्स भी हैं और थोड़े से बादाम भी हैं। दोनों को एक चम्मच घी में रोस्ट कर लिया है मैंने यहाँ पर। हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर हम 3 टीस्पून्स लेंगे। अगर आपको बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है, बहुत सारे लोग इसमें इनो यूज़ करते हैं, तो अगर इनो ले रहे हैं तो 2 सैशे इनो लेंगे, नहीं तो बेकिंग पाउडर लें। मुझे एज ऑलवेज इनो का फ्लेवर पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बेकिंग पाउडर के साथ उसको रिप्लेस कर रही हूँ। मेजरमेंट्स के लिए मैंने ये 2 स्पून्स यहाँ पे ली है। यहाँ पर थोड़े से मैंने पिस्टाचोस भी लिए हैं। बिस्किट्स की वैरायटी आप चाहें तो इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बिस्किट्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं सेम बिस्किट्स आप यूज़ करें, बट हाँ थोड़ा ध्यान रखें कि क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक पैकेट हाइड एंड सीक मैंने लिया है जिसमें 20 बिस्किट्स आते हैं। एक पैकेट मैंने यूनिबिक का ऑरेंज फ्लेवर का बिस्किट लिया है जिसमें 10 बिस्किट्स आते हैं। और एक पैकेट मैंने पालेजी लिया है जिसमें 10 बिस्किट्स आते हैं। तो इन टोटल हमारे को चाहिए होंगे 40-odd बिस्किट्स। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क। साथ के साथ हमको चाहिए होगा एल्यूमिनियम टिन, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो उसके साथ भी आप इसको लाइन कर सकते हैं। और हमें चाहिए होंगे 3 बड़े टेबलस्पून शुगर, जिसको हम पाउडर कर लेंगे। ये देखिए पाउडर्ड बिस्किट्स इसके अंदर हैं। इसके अंदर मैंने आधा पैकेट हाइड एंड सीक का लिया है, 1 पूरा पैकेट ऑरेंज बिस्किट्स जो आपको मैंने दिखाए थे, जो क्रीमलेस हैं, क्रीम नहीं है उसमें, और 1 पैकेट पार्ले-जी का लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला रही हूँ, 1/4 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ जस्ट फ्लेवर्स के लिए। चाहे तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। साइड अवन प्री हीट पे लगा दिया है मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। अगर कुकर में बनाऊंगी तो कुकर को प्री हीट करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। देखिए साइड में प्रोसेस आ रहा होगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से अब आप मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क डालेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। सो मिल्क की क्वांटिटी चेक करते रहें, हमें एक रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर नहीं चाहिए है, सिर्फ पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए है। थोड़ा सा थिक होना चाहिए, केक का बैटर हमेशा थिक रहता है इस वजह से। ये देखिए थोड़ा सा मैंने डाला था, अब और ऐड करेंगे। देखिए बैटर इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए आपका, रनी कंसिस्टेंसी नहीं है, बट ये पोर आउट ज़रूर इजीली हो रहा है। अब इसमें पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे हम। इसको भी इसी तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर दें। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे थोड़े से मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ ताकि ये केक के अंदर मिक्स हो जाएं। और थोड़े से मैं ऊपर से गार्निश करूंगी ताकि ऊपर से भी हल्की सी टॉपिंग आ जाए। टिन को ग्रीस करने का टाइम है, तो हल्का सा बटर को मेल्ट करेंगे और टिन को ग्रीस कर लेंगे। आइए अब ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर। ये गया बेकिंग पाउडर, ये है 3 बड़े टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे से मिक्स कर दें, हाँ ग्रीस टिन, और इसमें आपका बैटर पोर कर दें। इस तरीके से पोर कर दें पूरा बैटर। टिन में इस तरह से बैटर चला गया है और ऊपर से हम नट्स के साथ इसको गार्निश करने वाले हैं। इस तरीके से टैप करते के साथ ही ये जाएगा डायरेक्टली मेरे और में। ये रहा मेरा फ्लफी, कितना यमी लग रहा है केक। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, हर एक का OTG अलग तरीके से बिहेव करता है इस तरह के केक को बनाने के लिए, लेकिन अगर आपका OTG स्मॉल है, उसकी पार जो है वो कम है, तो इस तरह के केक को बनाने के लिए आपको 35 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। ये 1/2 kg केक की रेसिपी थी। अब फटाफट इसको हम डीमोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से नाइफ लेंगे और चारों तरफ से इस नाइफ को इस तरह से घुमा देंगे सो दैट केक जो है इजीली डीमोल्ड हो जाए। केक बाहर आ गया है, इसे इन्वर्ट कर देती हूँ और
खूबसूरत केक बनकर एकदम रेडी है, स्पॉन्जी है। स्पॉन्ज आप देख ही सकते हैं इसका, कितना स्पॉन्जी ये केक दिख रहा है देखने में। देखिए कितना सॉफ्ट है, टेक्सचर ब्यूटीफुल है, ऊपर सारी क्रस्टिंग आ गई है जो हमने डाली थी, और ये बढ़िया सा केक बनकर रेडी है। मनपसंद तरीके से इसको काट लें और सर्व करें डार्क चॉकलेट के साथ। ऊपर से पोर कर दीजिए डार्क चॉकलेट। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।